दोस्तों नमस्कार। हाँ भाई, सब कैसे हैं? तो आज 10 अप्रैल 2020, वही जैसा मेरे स्टूडेंट्स से प्रोमिस कर रखा है कि नीट 2013 टू नीट 2019 तक के सारे पेपर का, फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन अब मुझे आपको देना है। तो दोस्तों, 5 अप्रैल को हम लोग स्टार्ट हुए थे, तो 5 से लेकर 9 अप्रैल तक के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज 10 अप्रैल को हम लोग हीट वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें KTG है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोमीट्री है, आपका हीट कंडक्ट ट्रांसफर है, वो सब इसमें शामिल है। ठीक है जी। तो आज हम लोग इन जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं 2013 से 2019 तक, इस पार्ट के, जैसा मैं फिर बता देता हूं, 2013 से 2019 तक के नीट के सभी क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज सेट करके या रीसेट करके उनके सॉल्यूशन पे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है डियर। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हीट, मैं हीट बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज हीट बोलता हूँ, चाहे वो KTG हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे हीट ट्रांसफर हो, मेरा एक टाइटल है हीट। तो हीट के नाम पे आज हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें दोस्तों 112 से क्वेश्चन स्टार्ट होके और ये क्वेश्चन जाएंगे 153 तक। ओके डियर। यानी इस पार्ट के पिछले 6 साल में आपके सामने जो क्वेश्चन है वो होंगे। ठीक है डियर। तो स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन आप देखें, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर एक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। स्पष्ट कहता भाई, 10 डिग्री के ताप के 20 ग्राम जल में 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प गुजरती है, तो जल का ताप 80 डिग्री होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा? और सब कुछ दे रखा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी अगले ने 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वेपर की लेटेंट हीट दे रखी 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके दोस्तों, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को अपन करने से पहले थोड़ा सा अपन इस हीट वाले कार्यक्रम को समझ लेते हैं। ठीक है भाई। तो प्लीज आप पेज खोलें। तो डियर, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए अपन एक छोटी सी थ्योरी को समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है डियर। इधर आपका इसमें हीट है और इधर दोस्तों इसमें टेम्परेचर है। ओ ए बी सी डी और ई, यानी ओ बिंदु पर कोई बॉडी सॉलिड कंडीशन में है, कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, इसको आप हीट देंगे तो इसका दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर से कहां तक बढ़ेगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट तक। तो ओ से ए ये पदार्थ, ठोस पदार्थ गर्म होता है और ए पर ये सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और बी तक दोस्तों ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ओ से ए तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बट ए से बी में टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, यहां वो अपना फेज कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बी पर कंप्लीट सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, जैसे पूरा लिक्विड चेंज हो गया फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर दोस्तों सी पॉइंट तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको अपन बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, फिर यहां से लिक्विड वेपर होना, वाष्प में बदलना स्टार्ट होता है। तो सी पर ये कंप्लीट लिक्विड है, सी से डी में ये फिर अपना फेज कन्वर्ट करता है, डी पर आते आते वही टेम्परेचर है, क्योंकि देर आर नो चेंज इन टेम्परेचर, देर आर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां फेज कन्वर्जन हो रहा दोस्तों। तो डी बिन पॉइंट पे ये सारा का सारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप फिर हीट कंटिन्यू दे रहे हो तो दोस्तों डी से ए तक ये सुपर वेपर बन जाती है, अति तप्त भाप बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पाथ ओ ए है, यहां दोस्तों क्यू इक्वल टू एम एस डी टी काम आता है, पाथ आपका जो ए बी है यहां केवल क्यू इक्वल टू एम एल काम आता है, फिर आप देखो फिर पाथ आपका जो बी सी है वहां दोस्तों फिर आपका क्यू इक्वल टू एम एस डी टी काम आता है, फिर आपका जो पाथ सी डी है फिर दोस्तों आपका वहां क्यू इक्वल टू एम एल काम आता है। एल यहां लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, एस यहां स्पेसिफिक हीट है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा कन्वर्जन मानता हूं मैं, ओ से ए, ए से बी, बी से सी और डी से ई, ये एक स्टैंडर्ड इसका डेटा होता है। यानी जब टेम्परेचर चेंज होता है तो क्यू इक्वल टू एम एस डी टी काम आता है, और जब केवल फेज कन्वर्ट होता है तो क्यू इक्वल टू एम एल काम आता है, क्योंकि वहां फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है डियर। ओके, तो ये आप
आपका एक सिंपल साइज का ग्राफ था। एस कौन है? इसकी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है डियर, यहां मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा कि दोस्तों एस जो है, जैसे वाटर का एग्जांपल लूं, वाटर में इसको लोग लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये समझो थोड़ा, इस टॉपिक को शुरू होने से पहले इसको बहुत जरूरी समझना। एस विशिष्ट ऊष्मा है, मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, वाटर का एक है। इसका दोस्तों अर्थ पता क्या है? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी हीट इसको देनी होगी। बहुत 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 सीधा है। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको 1 कैलोरी हीट देनी होगी। वैसे वाटर में थोड़ा ये और स्पेसिफाइड है, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री का वो जो 1 डिग्री टेम्परेचर है, वो थोड़ा वाटर का एक अलग से उसका एक करेक्टर है, अलग से नेचर है। बट हम नॉर्मली कह सकते हैं यार कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अब डियर यहां बड़ी प्रॉब्लम है, कैलोरी और किलो कैलोरी लोग बहुत कंफ्यूज है। बहुत लोग क्या कहते हैं, कैलोरी सीजीएस है और किलो कैलोरी एमकेएस। भाई कैलोरी को यूनिट है ही नहीं, आपको इसको जूल में चेंज करना होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, एक कैलोरी कहो चाहे 4.18 कहो चाहे इसको 4.2 जूल कहो, ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है भाई। एक कैलोरी और 4.2 जूल एक ही बात है। यानी एक सिंपल बात कहूं, जैसे मान लो कि कहीं आपको हाथ ठंड है, आपके हाथ ठंडे हो गए, आपको इन हाथ को गर्म करने के 2 तरीके हैं। कहीं आग जल रही है तो आप इन हाथ को आग पे गर्म कर सकते हैं, या आग नहीं जल रही है तो ऐसे रगड़ के भी आप हाथ गर्म कर सकते हैं। हाथ गर्म होने के बाद कोई नहीं बता सकता कि हाथ गर्म आपने आग पे किए हैं या उनको रगड़ के किए हैं। तो इनमें एक संबंध है, आग जो हाथ गर्म कर रही है वो हीट से उष्मा दे के कर रहा है, हम जो रगड़ के हाथ गर्म कर रहे हैं ये वृक से कर रहे हैं, कार्य से कर रहे हैं, इनका रिलेशन है। एक कैलोरी हीट उतना ही टेम्परेचर बढ़ाती है जितना 4.2 जूल कार्य से बढ़ता है। बात पकड़ में आ गई? एक कैलोरी हीट आपकी किसी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही राइज करेगी जितना टेम्परेचर राइज करने के लिए उस पर 4.2 जूल का वर्क कर दिया जाए। ओके डियर, तो ये आपके सामने एक एस की वैल्यू हो गई। अब यदि मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो एक की जगह मैं 4.2 कर दूंगा, कैलोरी रिप्लेस बाय जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों तो 1 ग्राम के लिए है, 1 मोल के लिए बात करें तो आप जैसे वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 18 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का क्या होता है, मोल वेट 18 होता है, आप जानते हो H2O। तो जैसे ही 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी चाहिए तो 1 मोल वाटर का पूछा अगले ने, तो 1 मोल वाटर में कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम, तो 18 चाहिए। इसको दोस्तों फिर से इसमें चेंज करें तो ये आपका 18 × 4.2 जूल मोल पर डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा इसका और मॉडिफाई कर लूं, मैं इसको यहां कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस कर दूं तो माई डियर यहां पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सीधी ये बात है, 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, 18 ग्राम के लिए 18 कैलोरी और 1 किलो के लिए 1000 कैलोरी। अब उसको वापस वो जूल में चेंज करना चाहो तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ये आपका 1000 है, ये आपका 4.2 है जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये मैंने दोस्तों डेटा वाटर के लिए लिए हैं, ये स्पेसिफिक हीट के 6 फॉर्मूले हैं, जिसको ये समझ में आ जाता है ना उसके हीट के ऑलमोस्ट फंडे के लिए हो जाते हैं। एस के 6 यूनिट है, मैंने 6 के 6 चेंज कर दी, ऊपर कैलोरी है नीचे ग्राम है। कैलोरी को जूल में चेंज कर लो, ग्राम को 3 प्रकार चेंज कर सकते हो, ग्राम में चेंज कर सकते हो, मोल में चेंज कर सकते हो और केजी में चेंज कर सकते हो। इट क्लियर, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। अब आ जाओ मैं मेरे क्वेश्चन में आता हूं, बहुत लंबी थ्योरी तो कर नहीं पाए डिस्कस, यहां पर आए डियर क्वेश्चन में आए आप लोग। तो आप देखें क्वेश्चन आए तो कहता 10 डिग्री सेल्सियस के ताप के 20 ग्राम जल में 100 डिग्री सेल्सियस वाप की वेपर गुजरती है तो जल का ताप 80 डिग्री सेल्सियस होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों आप सीन देखो, हमारे पास 20 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है और इसमें हमने भाप वाष्प गुजार दी और अंतिम कितना टेम्परेचर हुआ 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप देखो आइस जो वाटर है वो कहां से कहां जाएगा, 10 से 80। तो वाटर के द्वारा दोस्तों ली गई हीट, वाटर के द्वारा ली गई हीट MS dT, M बोले तो कितने ग्राम है भैया, 20 ग्राम,
एस बोले तो 1 कर दो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डीटी बोले तो 70। एक बात ध्यान चाहूंगा, डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर नहीं होता है, उसको चेंज करना होता है केल्विन में, बट याद कर लो जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो चाहे डिग्री सेल्सियस में कर लो चाहे केल्विन, बात एक ही है। कैसे, 10 से मैं 80 पे जाऊंगा तो 80 माइनस 10 क्या है 70, 80 प्लस 2 73 माइनस 10 प्लस 2 73, बात तो वही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस करने में डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे चलें, ये तो वेपर के द्वारा वाटर को दी गई हीट है, अब वेपर क्या है, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ध्यान चाहूं यहां वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए डियर ध्यान देखना कि यहां फेज कन्वर्जन हो रहा है। तो फेज कन्वर्जन में तुम जानते हो क्यू इक्वल टू क्या काम आएगा, एमएल, तो एमएल का मतलब कितनी वेपर कन्वर्ट हुई, तो एम, और दोस्तों एल क्या है वेपर का, आप स्पष्ट रूप देखें एल क्या होगा भाई, एल अपने देखा अगले नहीं, वेपर का 450, ठीक है डियर। तो हमारे सामने वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी है, एम गुना 540, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। इसको दोस्तों हम जब गुणा भाग करेंगे तो एमएस की जो वैल्यू आ गई, आप खुद देख लें एमएस क्या है, मास ऑफ स्टीम, दिस इज मास ऑफ, तो दोस्तों एमएस इक्वल टू आपके सामने अपॉन 450, इसको जब मैंने गुणा भाग किया कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आई 2.5 ग्राम, 5 ग्राम। पहले से कितना वाटर है मेरा 20 ग्राम, वेपर से कितना वाटर बन गया 2.5 ग्राम, तो कितना आ गया भाई 22.5 ग्राम, ठीक है डियर, ओके थैंक यू। ओके डियर क्वेश्चन 113, ये गलती से आ गया बीच टॉपिक में भैया, ये एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है बट लेकिन वो आ गया तो इसको कर लेते छोटे बीच में। ये क्या कहता है, गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इज 10^7 मीटर पर इनवर्स, द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगला कहता है बामर सीरीज की लास्ट लाइन, तो दोस्तों मैं इस पर ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, टॉपिक अलग है। तो अपन जानते हैं कि यहां इसमें कौन बनता है लाइमन, इसमें कौन बनता है बामर, तो बामर में N1 की वैल्यू क्या होगी 2, लास्ट लाइन का मतलब N2 कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। आ जाओ 1/λ को अपन जानते हैं कि न्यू बार कहते हैं, ये r 1/N1² - N2², तो न्यू बार इक्वल टू r, ये दोस्तों 1/4, ये आपका 0, तो न्यू बार इक्वल टू r/4, r की वैल्यू अगले दी है 10^7, तो 10^7/4, 4 को ऊपर लेके जाओगे 0.25 बन जाएगा, तो आंसर आपका सेकंड आ गया, 113 का दोस्तों आंसर 2 हो गया। प्लीज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, भूल से कहीं आ गए तो इसको भी कर दिया, खास बात नहीं है। हम जानते हैं ना बामर सीरीज का N1 2 होता है, लास्ट कहां से आएगा इन्फिनिटी से, N2 का मान इन्फिनिट हो गया, वैल्यू पुट कर दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम आया भैया। अरे इजी हार्ड तो बाद की बात है, सब एग्जाम आयो क्वेश्चन है भाई, तू नीट की तैयारी कर रहा ना, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके देखो, हाँ डियर, ये एक जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल का भाव क्या है, इसका भाव देखो ये है कि अर्थ से एच हाइट पर एक आइस का ब्लॉक है, आप क्वेश्चन कई लेंगे मेरे, सुन लो आप, एच हाइट पे एक ब्लॉक है, वो ऐसे नीचे गिरता है, नीचे गिरेगा तो जैसे ये दोस्तों अर्थ पे आ गया, इसकी जो यहां U=mgh है, वो यू जो यू इनिशियल कहें, जो यू फाइनल है, ये दोस्तों 0 हो गई। पर मैं जानता हूं एनर्जी कांट क्रिएट कांट डिस्ट्रॉय, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना पैदा होती है, एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करती है, अपना रूप बदलती है, तो यहां आते से ये पिघल गया। अब अगला ध्यान से देखो, पूरा आइस का ब्लॉक मेल्ट हो गया, लेकिन जब यहां से यहां तक आ रहा है तो केवल 1/4 एनर्जी है इसकी जो इस काम में खर्च होती है, यानी आप देखें दोस्तों इसकी टोटल एमजीएच एनर्जी थी उसका 1/4 हिस्सा है जो इस ब्लॉक को मेल्ट करने में या उसको हीट कन्वर्ट करने में काम आता है। और मेल्ट होने पर अपन जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया, जब मेल्ट है यानी कि फेज कन्वर्जन है, वो किसके कुल होता है, एमएल के कुल होता है। ये लो जी एमएल से एम से एम कैंसिल आउट कर दो, आपको दोस्तों क्या चाहिए, एच, एच क्या है भैया 4L/g, L की वैल्यू ये रही, पर चेक करना किसमें है, देखो बाकायदा दोस्तों 3.4 × 10^5 kg तथा G आपका बाकायदा इसमें ध्यान देना क्लास है, ये परफेक्टली दोस्तों आराम से MKS में है, तो वैल्यूज पुट कर दो, तो 4 × L क्या है भाई 3.4 × 10^5 और G का मान हम जानते हैं दोस्तों 10 होता है, इस पॉइंट एक और ले लो यहां पर, तो ये आपके सामने 16 12 1 13
ठीक है डियर, तो और ये आपका 10^3 हो गया, तो इसको अपने किलोमीटर में चेंज करते हैं, 136 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 115, ओके नीट 2018 में आया। अगला स्पष्ट कहता है सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर पे है, 54 कैलोरी उसको हीट हीट वो कन्वर्ट के लिए चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में चाहिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड 167.1 द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल। देखो सीधी सी बात ये यार कि मेरे पास 0.1 ग्राम वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मैं 54 कैलोरी की हीट की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में चेंज करने के लिए, ऐसा मैं कर रहा हूं इसको या दे रहा हूं मैं ये मान लो। तो वो कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके आंतरिक ऊर्जा में कितना चेंज होगा, तो याद करो dQ इक्वल टू dU प्लस dW, बोलो एग्री हो, आपको क्या निकालना है dU, तो पहले dQ बताओ, तो dQ तो अगला खुद कह रहा है आपने जरूरत ही नहीं है, dQ तो क्या कह रहा है 54 कैलोरी, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका जूल में चेंज हो जाएगा, क्लियर, क्यों कैलोरी तो कुछ होता ही नहीं है ना। अब आप dW में आ जाओ, तो dW इक्वल टू क्या होता है, वो होता है दोस्तों pdV, pdV, dV क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। यहां थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी होगी, p दोस्तों mks में है 1.013 मल्टीप्लाई 10^5। अब यहां थोड़ा देखें v फाइनल क्या है, 167.1 cc सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपको चेंज करना होगा मीटर क्यूब में, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर है 0.1 ग्राम जिसको अपन 0.1 सीसी मान सकते हैं, एक ही बात पे बड़ा फर्क नहीं, एक ऑलमोस्ट इसी होते हैं ये, तो ये आपका हो गया 160.1-0.1 10^-6, बस ध्यान दें इस टॉपिक में ये काम की चीज है, 167.1-0.1 ये आपको सब, ये सीसी में है ये ग्राम में है कोई दिक्कत नहीं, ग्राम को भी अपन चेंज कर लेंगे सीसी में, ऑलमोस्ट अपने 1 लीटर में 1000 ग्राम मानते हैं लगभग, ये होता लगभग है, इसमें कुछ चेंज है हल्का सा, पर कैसे 1 लीटर के 1000 ग्राम के, एक ही बात है ना, दूध लाते हैं ना तो किलो के भाव वही हैं, लीटर के भाव वही हैं, ये दोस्तों आपका dW आ गया, इन सबको तो तेरे पास dQ आ गया, तेरे पास dW आ गया, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा dU बराबर dQ माइनस dW, तो तेरा दो आंसर आएगा 208.7, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, जो इसका करना था आपको मैंने कर दिया। ओके थैंक यू। नंबर 116 जो नीट 2019 में आया है, इस न्यूमेरिकल में थर्मल एक्सपेंशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, इसलिए पेशेंस से किया करो इसको, ये थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्पष्ट कहता है एक कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीजेज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड, दोस्तों कहता है एक रोड तो आपकी है किसकी है, कॉपर की, और आपकी दूसरी रोड है वो किसकी है दोस्तों, आपकी है एल्यूमिनियम की, ठीक है डियर, इसकी लेंथ क्या है 88 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या है मुझे नहीं पता, एल फाइंड आउट करनी है। अब अगला कहता है अपन जानते हैं डियर, अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका अलग थर्मल एक्सपेंशन है, उसका अलग थर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन अगला स्पष्ट कहता है यार कि इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से इसके लेंथ के इंक्रीमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये मूल कहानी है। साफ कहता है कि अज्ञात लंबाई की किसी एल्यूमिनियम की छड़ की लंबाई वर्ती ताप पर निर्भर नहीं करती, तो एल्यूमिनियम की छड़ की लंबाई क्या, ये आपको निकालना है, ये अल्फा कॉपर का है ये अल्फा एल्यूमिनियम का है, ठीक है डियर, बात शुरू करें तो आ जाओ इसको मिटा के अपन लिखते हैं। अपन जानते हैं दोस्तों अच्छी तरह से एल टी इक्वल टू होता है एल नोट 1 प्लस अल्फा dT, एक बात है भाई डेल्टा टी लिख लो, dT खास फर्क नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा अपने को, देखो एल कॉपर T इक्वल टू एल कोपर 0 1 प्लस अल्फा कोपर dT, ठीक है डियर। दूसरा एल एल्यूमिनियम T इक्वल टू एल एल्यूमिनियम 0 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम dT, ठीक है ना, ये कोपर T डिग्री पे कोपर की लेंथ, कॉपर 0 इसका मतलब है कॉपर की 0 पे लेंथ, वैसे एल्यूमिनियम की 0 पे लेंथ। अब अगला स्पष्ट कहता है भाई कि इन दोनों की लेंथ के चेंज में टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है, नहीं है तो अपन कह सकते हैं यार कि डेल्टा एल इक्वल टू एल कॉपर टी माइनस एल एल्यूमिनियम माइनस एल एल्यूमिनियम टी कर दूं,
चलो जी, तो अब इन दोनों को अब माइनस करो, थोड़ा सा यहां अपने को डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरी बातों करेंगे। तो एल को पर टी तो मैं ऐसा लिखता हूं, एल नोट प्लस एल नोट अल्फा, किसका भाई, कोपर का, ये एल कोपर, एल कोपर नोट प्लस एल कोपर जीरो प्लस एल कोपर जीरो अल्फा कोपर डेल्टा टी माइनस एल एल्यूमिनियम जीरो माइनस एल एल्यूमिनियम जीरो अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ठीक है। और अगला साहब कहता है भाई डेल्टा एल में कोई फर्क नहीं होता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो ठीक है डियर, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख सकता था पर मैं चाहूंगा कि सुशील लिखने के बजाय, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया रहे, एल कोपर जीरो माइनस एल एल्यूमिनियम जीरो, एक स्टेप तो दोस्तों ये आ गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करो, डीटी को बाहर या डेल्टा टी को बाहर निकाल लो, निकाल लिया बाहर, डेल्टा टी को बाहर निकाल लो, इन दोनों स्टेप में से बाहर निकालू मैं तो क्या बचेगा, एल कोपर जीरो अल्फा कोपर माइनस एल एल्यूमिनियम जीरो अल्फा एल्यूमिनियम, ओके डियर, ये तेरे सामने आ गया। डेल्टा एल इक्वल टू ये लेंथ का चेंज, ये तेरे सामने डी टी है। अब अगला स्पष्ट कहता है कि टेम्परेचर चेंज के कारण इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी इसका कोई रोल नहीं है, डेल्टा चेंज से इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है बस। तो डेल्टा चेंज से दोस्तों कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, अल्फा कोपर जीरो अल्फा कोपर अल्फा कोपर माइनस एल एल्यूमिनियम जीरो अल्फा एल्यूमिनियम इक्वल टू जीरो, ओके बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो अब दोस्तों इनकी वैल्यू इक्वल कर लो, बराबर कर दो, तो आ जाओ भैया एल कोपर जीरो अल्फा कोपर इक्वल टू एल एल्यूमिनियम जीरो अल्फा एल्यूमिनियम। अगला स्पष्ट कहता है 88 सेंटीमीटर मतलब वो इनिशियल होती है, तो कोपर की कितनी है 88, अल्फा कोपर कितना है ये रहा 1.7 × 10⁻¹⁵। अब दोस्तों ये एल को मैं इधर रख लूं, आप सीधा थोड़ा सा सीधा कर दो ऐसे 2.2 × 10⁻¹⁵। बात गौर करना दोस्तों, बहुत सिंपल किया, देखो 22 से लिया है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई 88 होता है, तो आप इस पॉइंट को दोस्तों यहां से काट को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दो, तो ये आपका कितना आ गया 4 और 17 × 68 दोस्तों, सीधा सीधा आंसर आपका आ गया 68 सेंटीमीटर। ओके थैंक यू। हां तो डियर क्वेश्चन 117 नीट 2013 में आया है, ये बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे बात भी करना चाहूंगा। तो साहब कहता है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड सीपी सीवी रेस्पेक्टिवली गामा सीपी बाय सीवी, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सीवी इज इक्वल टू, दोस्तों सीवी की वैल्यू पुट करने पेज खाली करने प्लीज, इसमें ये वास्तव में बहुत अच्छी है दोस्तों। देखो इसमें दो रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी और गामा इक्वल टू 1 + 2 / f, लो ये बार बार आगे 5-6 क्वेश्चन ये काम आएगा, देखना सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, आर गैस कांस्टेंट जो फिक्स होता है, गामा रेशियो ऑफ सीपी सीवी, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा इक्वल टू 1 + 2 / f जो ना वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है, ट्राई के लिए दोस्तों वो 7 भी होती है और 6 भी होती है, वो डिपेंड करता उसका स्ट्रक्चर क्या है, खैर अपन वहां तक नहीं जाएगा, इतनी बात रखे, एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो मोनोएटॉमिक के लिए 3 और डायटोमिक के लिए 5 होती है। आ जाओ डियर क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन, हमें स्पष्ट कहता है क्वेश्चन कि आपको सीवी को इस रूप में निकालना है, निकाल दो यार क्या दिक्कत है, आ जा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, स्पष्ट रूप से मुझे यहां से सीपी गायब करना है, अब ध्यान दो सीवी पूछा है ना, तो आंसर में आर गामा तो सीपी गायब कर दो, तो क्या है सीपी, सीपी क्या है गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो दोस्तों सीवी कॉमन ले लो, ये क्या है गामा माइनस इक्वल टू आर, तो तेरे सामने सामने स्पष्ट रूप से आ गया ना भाई सीवी इक्वल टू गार आर गामा माइनस वन आर गामा माइनस वन, तो 117 आंसर क्या आ गया 4, ओके थैंक यू।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118, ये केटीजी के या थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट लपेट रहा है एक साथ। अगला कहता था अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन। स्पष्ट हो यार, ये 1 ग्राम हीलियम गैस है जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन से T2 केल्विन तक रेज करने के लिए हमें इसको कितनी उष्मा देनी होगी, क्लियर, कितनी हीट देनी होगी। तो DQ इक्वल टू DU+DW। अब हमें नहीं पता यार आइसो थर्मल प्रोसेस है, आइसो बारिक प्रोसेस है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, पर मैं एक बात जानता हूं यार, मैं ऐसे प्रश्नों में DW को जीरो करने की कोशिश करता हूं। DW जीरो कब होता है? जब DV जीरो है। तो DV जीरो का मतलब है कि इसमें वॉल्यूम क्या है? कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो CV काम आ जाएगा, जो हम जानते हैं कि F/2 R के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आ जाओ, तो DQ इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों आपके सामने सामने DU+0। आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो DQ क्या होता है? NS dT। तो कॉमन फॉर्मूला ये होता है, वो बाद की बातें, चेंज करना तो कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? DQ=NS dT। अब DQ=NS dT को दोस्तों अपन लोग मास्टर फॉर्मूले में चेंज, जो मास्टर फॉर्मूला है इसको चेंज करते हैं कि DQ बराबर आपके सामने DU है, और DQ बराबर हम सब जानते हैं NS dT है। DQ=NCV dT है। बार बार कह रहा हूं CV क्यों काम लिया है, क्योंकि मैंने DW को जीरो कर दिया। DW जीरो मैंने कब कर दिया? जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वहां CV काम आएगा। अब दोस्तों N क्या होता है? M/W। CV क्या है? F/2 R। और ये क्या है? T2 - T1। m गिवन मास, W मॉलिक्यूलर वेट। आ जाओ, कौन सी गैस है डियर? हीलियम। कितना ग्राम दिया है? 1 ग्राम। W कितना है? 4। F क्या होता है? 3। ये 2। अब R है, बट R नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं दोस्तों R इक्वल टू क्या होता है? NK। बस ये क्या बन गया? NK T2 - T1। ये तेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप आंसर आ गया। देख तो ये 3/8 एक में है, देखो यार NaKBT2 - T1। A4 एवोगाड्रो संख्या, V4 बोल्ट्ज़मैन नियतांक। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119 नेट 2013। देखो डियर, साहब कहता है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक ऑफ द टेम्परेचर। ये भाई PT³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो CP/CV क्या होता है? गामा फाइंड आउट करना होता है। इस न्यूमेरिकल में हमारी आपकी इच्छा नहीं है भाई, अगला जो कहता वैसे वैसे हमें करते जाना है। एक रिलेशन तो अगले ने ये बता दिया, और एक रिलेशन भाई हम जानते हैं यार, PV=NRT, उसको तो हम छेड़ सकते ही नहीं ना। तो यूं कह सकते हैं PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, NR तो कांस्टेंट चला जाएगा। अब यहां से मैं P रिप्लेस करता हूं, देखो तो P रिप्लेस करूंगा तो P की जगह क्या आएगा? T/V आ जा। तो दिस इज T/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T³। अब आप देखो इसको कैलकुलेट करो, ये T² हो गया, ये V हो गया, तो ये बन जाएगा T²V इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये एक रिलेशन है। और अब हम जानते हैं एक रिलेशन बहुत प्यारा होता है, TV γ-1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये भाई याद रखना पड़ेगा, ये रुद्धोष्म प्रक्रम की 3 इक्वेशन होती हैं, याद रखनी पड़ेंगी, आप एग्री भी करेंगे इस बात को। बस आप कंपेयर कर दो, ये क्या है? T²V इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां T पर कोई पावर 1 है, तो इसकी T की पावर 1 करना चाहो तो TV 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। भाई यहां 2 से डिवाइड करो, 1/2 तो हो गया। तो एक इक्वेशन तो दोस्तों ये है, एक इक्वेशन ये है, कंपेयर करो तो तेरे सामने कंपैरिजन आ गया। γ-1 इक्वल टू क्या है? हाफ है। तो डियर गामा इक्वल टू क्या हो गया? 3/2। और ये तेरा आंसर आ गया यार। ओके, थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 120 AIPMT 2014 में आया। अगला साहब कहता है ए मोनोटोमिक गैस का तुम जानते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। प्रेशर पी हैविंग वॉल्यूम वी एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, पहले आइसोथर्मली यानी समतापीय प्रक्रम के अंदर, ये कहां तक जाती है? 2V तक जाती है। देन आइडियाबेटिकली डू ए वॉल्यूम 16V। ठीक है डियर, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज टेकन γ=5/3। ठीक है जी, आप देखो इस प्रश्न को सुनो परिधान से, क्या कहता है? कोई एक परमाणु गैस है, मोनोटोमिक गैस है, जिसका प्रेशर पी है, आयतन वी है। अब इससे पहले समतापी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस से अपन कहां
टू वी तक ले गए, बस एक बार यहीं रुक जाओ, टू वी तक ले गए आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल, पी इनिशियल क्या है पी, वी इनिशियल क्या है वी, पी फाइनल क्या है पता नहीं, वी फाइनल क्या है टू वी। तो दोस्तों इसका पी फाइनल क्या आ गया तेरे सामने सामने वन बाई टू, बोल हाँ या ना, हो गया। अब यहां से आगे बढ़ा, अब वो कहता है इसको आइडियाबेटिक रूप से 16V तक एक्सपेंड किया गया, इसके आगे वो इसको रुधोष्म प्रक्रम के द्वारा 16V तक प्रसारित करता है। तो उसके बाद का प्रेशर निकालो, आजा भैया थोड़ा कलर चेंज करें तेरे लिए, देख पुत्र P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा, पहले प्रोसेस का फाइनल, इस प्रोसेस का इनिशियल, तो उसका फाइनल क्या है 1/2, तो P का मान क्या है 1/2, इसका V क्या है याद कर कहां खड़ा था ये 2V पे, यस, तो 2V की पावर गामा P, ये आपको निकालना है। V2 क्या हुआ 16V, ओके साथ दे मेरा ईमानदारी से, ये तेरा गामा, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, आ जा। अब देख ये तेरा 1/2 2V गामा P 16V गामा, अब तेरे को दोस्त P निकालना है ना, तो देख P को उधर रख, इधर ले ले, ये तेरा 1/2 ये तेरा 2V अपॉन 16V की पावर गामा, V से V कैंसिल आउट, 1/2 ये 1/8 की पावर गामा, यहां बायोलॉजी के बच्चे ध्यान देना भाई, 1/8 गामा की वैल्यू है 5/3, तो इसको मैं थोड़ा तेरा अलग सोल्व कर दो, कलर चेंज करके 1/8 को 5/3 में तू ऐसे कन्वर्ट कर, कैसे, पहले 1/8 का तू 1/3 कर, 1/3 करने के बाद उसका 5 कर, तो 1/8 का 1/2 होता है, 2 का 5 2 4 8 16 32, तो डियर ये तेरे सामने आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/32, 1/32 थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है इस बोर्ड पे कई बार, 1/2 1/32 इट बिकम्स 1/64 1/64 यानी 1/P/4, 1 का मतलब यहां पहले का P/64, तो आंसर दोस्तों क्या हो गया थर्ड, ओके थैंक यू। हां तो डियर क्वेश्चन 121 इसका सीधा फॉर्मूला है उसी बात करेंगे, दिस इज मेन फ्री पाथ, ये फॉर्मूला होता है N/√2πD²V, डी कहो चाहे आर कहो, डिस्टेंस ये डायमीटर है, व्यास उससे मॉलिक्यूल का पार्टिकल का डायमीटर लिया है, जिसको आप रेडियस कहें डायमीटर कहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगला साहब कहता है द मेन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस रेडियस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो दोस्तों सिंपल सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया पहले से, ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्लीज ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा, इसमें इतना याद रखो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये अब तक एग्जाम एक बार ही आया 7 साल में केवल, और सीधा आया इसके, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 122 ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी बातें लपेट देगा। देखो ये तो एक अपने बात कह रहा है कि गामा की वैल्यू आपको दी हुई है और डिग्री ऑफ फ्रीडम एन, जिसको मॉडल एफ कहते हैं हम लोग, एन से कंफ्यूज होता है कि हमारे दिमाग में डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ही रहता है, एफ और गामा का एक रिलेशन निकालना है। देखो यहां बहुत से रिलेशन है, मैं सबसे लिखता हूं बोर्ड अपना देव बन जाएंगे, सबसे पहला रिलेशन बनता है इसमें CP-CV=R, कोई दिक्कत नहीं, CV=F/2R और गामा इक्वल टू एक संबंध बनेगा 1+2/F जो आपको निकालना है, ये अपना निकल गया जाए देखना, CP-CV=R और CV=F/2R और एक आप और जानते हो गामा इक्वल टू क्या होता है CP/CV, बस इतनी चीज है, ये घूम के आती रहती है आपस में, वैसे तो अल्टीमेट याद रखना है कि गामा इक्वल टू 1+2/F होता है भैया, याद रखना होता है, फिर भी चलो देख लो, आप ऐसा करो इसको CVC डिवाइड करो, इसको CVC डिवाइड करो, तो ये क्या बना CP/CV-CV/CV=R/CV, ठीक है डियर कर दिया, तो क्या बना तेरा ये CP/CV क्या बना गामा माइनस वन इक्वल टू क्या बना आर सीवी। अब मैं जानता हूं CV=R क्या होता है F/2R, CV=F/2R, तो गामा माइनस वन इक्वल टू आर F/2R, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो भैया तेरे सामने सामने आ गया
गामा इक्वल टू, उधर ले जाए इसको, तो 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f. बट ये तेरे को सारे याद रखने होंगे, सीपी क्या है, सीवी क्या है, गामा क्या है, ठीक है, ओके, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 123, ये दोस्तों केटीजी का एक अच्छा क्वेश्चन है. केटीजी गेसों का गत्यात्मक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. इसमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं मैं कि वीआरएमएस जो होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, उसका प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है. वो रिलेशन क्या है सबसे पहले उसकी बात कर लें. क्वेश्चन तो आप लोग अभी पढ़ लोगे मेरे साथ साथ. दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 3RT/kPtlm, या दोस्तों एक फॉर्मूला होता है वीआरएमएस इक्वल टू 3KT/m. ये गांठ मान लो पूरी केटीजी में काम आएगा. आर के साथ जो कैपिटल एम होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो अणु भार होता है, और के साथ जो स्मॉल एम है वो अणु का भार है, वो मास ऑफ मॉलिक्यूल है. ये मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है, वो मास ऑफ मॉलिक्यूल है. के साथ स्मॉल एम आता है, आर के साथ कैपिटल एम आएगा. ये बात समझा दी आपको मैंने. इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि एक क्वेश्चन में गैस नहीं बदलती है. एक पात्र आपने ले लिया, एक कंटेनर आपने ले लिया, उसके बाद आप गैस का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते. इसलिए दोस्तों ये तो कट जाता है. और प्रेशर का वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन है नहीं है. इसमें सुन लो, पहले टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो वेलोसिटी है 200. अब कर दिया 127 डिग्री, तो आपको दोस्तों इसका वेलोसिटी निकालनी है. तो सीधी सीधी सी बात है डियर, V27/V127 = √T27/√2127. इफंडा इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे. दोस्तों आपके पता आर कांस्टेंट खत्म हो गया, एम कांस्टेंट खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, कौन बचा, वी और टी. तो V1/V2 = √T1/T2. V27 कितना है भैया, 200. V127 निकालना, इसको V डैश कह दो. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, कहां चेंज होगा, केल्विन में. क्या जोड़ना है, 273. तो दोस्तों 27 में जोड़ोगे 273, जोड़ दो एक बार, आपके लिए जोड़ देता हूं. और ये कौन है तेरा, 127, इसमें क्या जोड़ो, 273. ये क्या बन गया, 300. ये क्या बन गया, 400. ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट. ठीक है डियर, अब इसको मिटा दूं आपके लिए मैं. अब तेरे सामने सामने ये कितना है, 200 वी डैश रूट. ये क्या आ गया, √3/2. तो इस 2 को दोस्तों है ना √3/2, तो क्या हो जाएगा, 400. ठीक है, √3 नीचे आ जाएगा. ये लो आंसर आ गया फर्स्ट, ओके, थैंक यू. हाँ डियर, ये क्वेश्चन नंबर 124 जो है, ये दोस्तों एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होगा. जैसे PV/γ = constant, ये पोलोट्रोपिक प्रोसेस है, पोलीट्रोपिक प्रोसेस है, बहुप्रक्रमीय प्रोसेस है, ठीक है ना. इसका एक फॉर्मूला है जो याद रखना होगा, वो होता है दोस्तों C = CV + R/1 - X. ये इसकी थर्मल कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट बोल दो, थर्मल कैपेसिटी बोल दो, बस ये इसमें धारणा चीज का. यहां देखो दोस्तों क्या कहता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV³. तो दोस्तों यहां जो PV³ = constant है, यानी यहां एक्स की वैल्यू दोस्तों 3 है, बस ये धारणा चीज का. इसमें बिल्कुल स्वीकारता हूं, इसका बहुत लंबा डेरिवेशन है, मैंने खुद करके देखा तो उसमें 15 मिनट लगे. एक बात ध्यान चाहूं, कई बार कुछ बच्चे घर पे क्वेश्चन निकालते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं मेरे से कि साहब कौन सा प्रश्न छोड़े, कौन सा प्रश्न करें. मुझे बताओ कि जब आप घर पे किसी क्वेश्चन को निकाल रहे हो और वहां आपको 3 मिनट लग रहे हैं और आप उसको निकाल के खुश हो रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है ना. एग्जाम में आप कहां से लाओगे 3 मिनट एक प्रश्न में भैया. हाँ घर पे 3 मिनट 5 मिनट लगाओ, पर उसके बाद भैया सीधा उसको 15-20-30 सेकंड में कैसे कर सकते हो. और नहीं होता है तो डेरिवेशन का पार्ट साइड में करो, उसका जो लास्ट फॉर्मूला काम आया है उसको याद करो, उसको अप्लाई करो. आप खुद अपने आप से पूछे, भाई आपने 4 मिनट लगाए, बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन कर लिया बिल्कुल सुंदर राइटिंग में, एग्जाम कहां से लाओ 4 मिनट भाई. इसलिए ऐसे लंबे क्वेश्चन का बाकायदा हाँ करना होता है. ये जुलाई अगस्त की बातें हैं, जब टॉपिक चल रहा है, कोचिंग चलती है, पूरा करना होता है, फिर लास्ट का फॉर्मूला याद करके उसमें अप्लाई किया जाता है. तो ये फॉर्मूला है C = CV + R/1 - X. दोस्तों एक्स की वैल्यू 3 आ गई, बस आ जाओ सी वी क्या होता है, F/2R, दिस इज R/1 - X. ठीक है डियर, अब आप देखो F क्या है, 3, क्यों, कौन सा गैस है, मोनोटोमिक. 3/2R + R/1 - 3, ठीक है डियर. तो C = 3/2R, ये दोस्तों तेरे सामने सामने क्या है, 1 - 3 का मतलब माइनस R/2
2, तो दोस्तों 3 बाई 2 आर में से आर बाई 2 गया, तो दोस्तों केवल आर बच गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है और डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है डियर। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 एक सिंपल प्रॉब्लम है, वो कहता है कोई आइडियल गैस है, किसी कंटेनर में पैक होती है गैस, जानते हो पी है, वी है, टी है, और एक बात ध्यान देना उसके प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास क्या है, एम है। ये ध्यान मेन चीज में ये है दोस्तों, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एम। स्मॉल एम जो है या किसको बता रहा है, उस गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को बता रहा है, बस ये याद रखना। यहां थोड़ा मोल की बात आपसे मैं कर लेता हूं। देखो मेरे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, एक होता पी वी इक्वल टू एन आर टी और एक मेरे पास होता पी वी इक्वल टू एन के टी। यदि आर के साथ जो एन है ये दोस्तों बताता नंबर ऑफ मोल को, और के साथ जो एन है वो बताता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। मोल के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं आपको मैं। एक आदमी कहता मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताओ कितने मोल हुआ, 1/4 मोल हुआ। क्यों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो दोस्तों मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास क्या है 8, वेट क्या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का 32, 8 अपॉन 32 1/4 क्लियर हो गया। बस अब आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो तो हमें इसकी बात नहीं करनी है। अब आप देखो दोस्तों PV इक्वल टू N, N क्या है जी मोल, मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, माना गिवन मास क्या है गैस का M अपॉन W, मॉलिक्यूलर वेट को अपन का W कह देते हैं। R क्या होता है दोस्तों N के और ये आपका T। अब इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, N के टी। डब्ल्यू क्या है ध्यान दे क्लास, डब्ल्यू इसका मॉलिक्यूलर वेट है, एक मोल का वेट है, एक मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल एन के बराबर, एक मॉलिक्यूल का मास क्या है भैया स्मॉल एम, तो स्मॉल एम को मैं कैपिटल एन से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का डब्ल्यू हो जाएगा। तो जो डब्ल्यू लिखा हुआ है वहां मैं स्मॉल एम गुणा एन लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब दोस्तों पी को यहां रखो, आप देखो डियर इस एन से एन कैंसिल आउट कर दो, ये तेरा कैपिटल एम है, ये वी आ गया, ये तेरा के वहां है, ये तेरा टी वहां है, ये क्या है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, ये तेरी डेंसिटी हो गई। तो दोस्तों पी इक्वल टू डी के टी अपॉन स्मॉल एम, तो दोस्तों डी इक्वल टू क्या बन गया एम पी अपॉन के टी, एम पी अपॉन के टी। दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर हो गया और ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत सक्षम हो गया अपने आप में। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 126 अगला साहब कहता है कि कोई गैस का एक मिक्सर है टी टेम्परेचर पे, उस पे 2 मोल ऑक्सीजन है और 4 मोल ऑर्गन है, और इसने कहता है कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ड्यू टू वाइब्रेशन टाइप वो सब इग्नोर कर देता है, तो इस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी बताए। तो दोस्तों दो गैसों का मिश्रण है, टेम्परेचर आप जानते हो एक मिक्सर के कभी 2 हो नहीं सकते, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है U इक्वल टू होगी दोस्तों U1 प्लस U2, और U1 अपन जानते हैं क्या होगा N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T, T के पीछे 1-2 नहीं आएगा क्योंकि इसके भी 2 नहीं हो सकते। अब N1 अपन जानते हैं पहले किसके लिए है ऑक्सीजन के लिए, कितना हुआ 2। CV1 क्या होता है हम जानते हैं F/2, तो F1/2 कर दो T, N2 कितने मोल है भैया जी अगला साहब का 4 मोल मल्टीप्लाई F2/2 मल्टीप्लाई T आ जाए डियर U इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई F क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन कौन है डायटोमेटिक, कितनी हो जाएंगी इसकी 5, तो 5/2 और इसमें R रहेगा दोस्तों F/2 T होता ना, तो इसमें R हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा ना, ये R मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका R T प्लस आप इधर देखें फिर 4 और आपका ऑर्गन क्या होता है मोनोटेमिक, इसकी कितनी होगी 3/2 R T। देखो दोस्तों ये आपके सामने सामने आ गया 5 R T प्लस 6 R T इक्वल टू डियर 11 R T आपका आंसर आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मिक्सर का बन जाता है, इसमें F/2 R का फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, DU का तो सब याद होता है N CV DT, DT की जगह T काम लेंगे क्योंकि मिक्सर है, मिक्सर का टेम्परेचर दोस्तों कांस्टेंट होता है। ओके डियर थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 127 NEET 2018 की प्रॉब्लम है, देखो दोस्तों अगला साहब कहता है व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एक्सेप्टिंग फ्रॉम द
अर्थ एटमोस्फियर। देखो सीधी सी बात कहता है कि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को क्या टेम्परेचर दें कि वो वातावरण को, हमारे वायुमंडल को, हमारे एटमोस्फियर को छोड़ के भाग जाए। हम सब जानते हैं दोस्तों, आपको इसको वो टेम्परेचर देना होगा कि जिसके कारण इसकी स्पीड एक्सेप्ट वेलोसिटी की स्पीड को पार कर जाए। और एक्सेप्ट वेलोसिटी पृथ्वी की आप जानते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो आप इसका वो टेम्परेचर करो जिसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं वी आर एम एस इक्वल टू 3 KT अपॉन स्मॉल m इक्वल टू और ग्रेटर देन 11.2 मल्टीप्लाई 10^3 मीटर पर सेकेंड। बस कैलकुलेशन है भैया, साफ कहता है ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोड़ के भाग जाए। कब भागेगा? जब इसकी स्पीड प्लैन वेग से ज्यादा हो, एक्सेप्टेबिलिटी से ज्यादा हो। वो मुझे पता अर्थ का कितना होता है, 11.2 याद रखना रहे, अर्थ का एक्सेप्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उस पे इस बात का डिपेंड नहीं करता कि हल्का कण छोड़ रहे हो या भारी कण छोड़ रहे हो, याद है ना। एक्सेप्टेबिलिटी डजंट डिपेंड मास ऑफ पार्टिकल, वो डिपेंड करता केवल मास ऑफ प्लेनेट जिस पे आप खड़े हैं दोस्तों। तो 3 KT स्मॉल m इक्वल टू ग्रेटर देन 11.2 × 10^3 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये टेम्परेचर इसका निकालना है। ओके डियर, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कर लूं, टेम्परेचर निकालना है। तो आप ऐसा करो, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपके सामने 11.2 × 10^6 मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन 3 मल्टीप्लाई के। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये लिखा पड़ा। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये लिखा है दोस्तों। अब आगे मैं चाहता हूं नहीं कितना टाइम आप वेस्ट किया जाए, इनकी वैल्यू पुट कर दो। इसको दोस्तों आप जब गुणा भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका थर्ड वाला, 127 का हमारा आंसर है दोस्तों थर्ड। और ये इसी तरह से आगे हो जाता है। ओके, फिर सुन लो, इस प्रश्न में लॉजिक है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अर्थ पे एक्सेप्टेबिलिटी से क्रॉस करनी है जो 11.2 किलोमीटर पर आवर सेकेंड होती है, और √3 KT/m इक्वल टू या ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसमें केवल कैलकुलेशन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कूल माइंड से कर लो, आराम से कर जाओ। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन 128-19 में आया है। अगला कहता है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, वो कहता किसी कंटेनर में जो गैस है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा। दोस्तों टेम्परेचर के बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, इसके अलावा सब बातें सेकेंडरी हैं। और वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ती एनर्जी ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इसमें फोर्थ है, इसलिए सीधा सा तरीका है। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अब तक जो क्वेश्चन थे उनका हेडिंग था KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं जिसको आप हेडिंग देते हो थर्मोडायनेमिक्स, DQ इक्वल टू DU+DW, और हमारा ये सारा आइसोथर्मल प्रोसेसर, ये सब सिस्टम अब आएंगे। ठीक है ना, तो आप KTG पूरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है दोस्तों, ये आपके कर्व है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका टेक्निकल है और एक तरीका आप बिना टेक्निकल मतलब बिना फिजिक्स लगाए भी इसको कर सकते हो। देखो डियर, हम साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक V और T के बीच कर्व है, हमें P1 और P2 का रिलेशन बताना है। देख भाई मेरे, हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, NRT, इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां यदि मैं टेन थीटा लूं तो वाट इज टेन थीटा, तो तेरे सामने है टेन थीटा क्या होगा, V/T हो रहा है ना, कहने की बात ही नहीं है, V/T। अब यहां V/T मैं लू इसमें, तो V/T क्या है, NR/P, NR तो कांस्टेंट है, ये तेरा थीटा है, तो तू क्या कह सकता है, VT इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1/P। सीधा मतलब भैया, जितना टेन थीटा, थीटा ज्यादा है उतना टेन का मान ज्यादा होता है, उतना P कम हो जाएगा। तो थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, इसमें माय डियर P1 P2 से बड़ा है, P1 P2 से बड़ा है। 129 का दोस्तों क्वेश्चन एक हो गया। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 130, ये क्या कहता है, एक गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCASON, व्हाट इज द नेटवर्क डन बाय द गैस। याद करो भैया, एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क है वो उस लूप के द्वारा कवर्ड एरिया के बराबर होता है। अब वो प्लस होगा या माइनस होगा, तो याद करो वो लूप क्लॉकवाइज है या लूप एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, क्लॉकवाइज में प्लस होता है। एक लाइन है ना, वर्क जस्ट इक्वल टू
कवर्ड बाई एरिया, ठीक है बस। तो तेरे सामने भाई आप देखो, ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, सी से ए, तो ये दोस्तों आपका जो ट्रायंगल बना इसका एरिया आपको निकालना है। कितना है भैया? हाफ। ये क्या है? सात ना, सात हो जाएगा, सात में दो पांच, पांच बट मल्टीप्लाई क्या होगा? 10^-3। इधर कौन है दोस्तों? प्रेशर। ये क्या है? दो। ये कौन है? छह। ये चार। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 10^5 से, ठीक है डियर। इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा क्या हो गया? 10। ये दो और बच गया, आंसर क्या आ गया तेरा? 1000। अब 1000 दोस्तों लकीली अकेला ही है, यदि यहां पूछ लेता प्लस या माइनस से तो तेरे सामने सामने ये लूप तेरा कैसा है भैया? क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होता? पॉजिटिव होता। बट इसमें ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट प्लस 1000 होता और एक माइनस 1000 होता, तो आप टिक किस पर लगाते? प्लस 1000 पे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 131 जो नीट 14 में आया है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए एज शोन इन फिगर, द वर्क डन बाय द, दोस्तों आपके सामने सामने देखो, ये एन है, ये एस है, यहां जितना वर्क होगा उतना ही वर्क यहां होगा, क्योंकि दोनों की आपको साइज इक्वल लग रही है, बट एक में पॉजिटिव है दूसरा उतना नेगेटिव है। दोस्तों वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, प्लस पांच माइनस पांच कितना हो जाता है? जीरो। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया रे? जीरो। इसमें पेन नहीं चलता, इसमें ऊपर का एरिया, ये एरिया, ये एरिया इक्वल है, अपोजिट क्यों? खुद देखना ये कौन है, उल्टे ना, जीरो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132 ये कहता है, वन मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फॉर्म फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए पाथ ए बी एज शोन इन द फिगर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके डियर, तो स्पष्ट कहता है कि एक आइडियल गैस है डायटोमिक जो ए से बी पे जा रही है, तो इसके इस सिस्टम के दौरान, इस पथ के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान आपको इसकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ओके डियर, हम जानते हैं इसका मास्टर फॉर्मूला होता है एन सी वी dt, बट हमारे पास dt नहीं है यहां पर, तो हमें दोस्तों dt निकालना होगा। तो आप जानते हैं P1V1nRT1 P2V2nRT2, आप देखो nRT2 - T1 जब करोगे तो क्या बनेगा? P2V2 - P1V1, तो दोस्तों T2 - T1 = आपके सामने आएगा P2V2 - P1V1/nR। एक बात ध्यान है ना भाई, dt का मतलब हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। उसमें अपना बुद्धिमत करना ज्यादा आप लोग, dw, n को रखो, cv को रखो, और dt क्या हो गया? P2V2 - P1V1/nR। अब हम जानते हैं दोस्तों cv क्या होता है, cv होता है R γ - 1, ये फिक्स होता है भाई, याद रखना पड़ेगा अपने भाई। तो दोस्तों du = nCv किस जगह आएगा? R/γ - 1, और ये आपका nR इसमें पहले से है, ठीक है ना? तो P2V2 - P1V1, ठीक है डियर। ये निकाल लिया था अपन, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको यहां से अपन डिलीट कर देते हैं। तो अब आपके सामने जो du की वैल्यू आई है दोस्तों, आप देखो उसमें से nR कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? P2V2 - P1V1 γ - 1। ये वन डेटा है, ये टू डेटा, इसका P को इसने किलो भी लिया है, V मीटर क्यूब भी लिया है। मैं किलो में कन्वर्ट नहीं करूंगा, लास्ट में आंसर किस में है? किलो में है, इसलिए मेरे को ये समय बचा लूंगा आपका मैं, ठीक है। अब मैं इनकी केवल वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आपके सामने सामने दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी du = P2, ये कितना भैया? 2 मल्टीप्लाई V2 कितना? 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन γ - 1, γ = 5/3 - 1, ठीक है डियर। तो du = - का साइन आएगा, आएगा, ये कितना हो गया तेरा? 12 और 20 कितना बचा? 8। दोस्तों ये आपका 3 - 5 - -8/1 = 3/2, ओके डियर, 4, तो ये -12 आ गया, और माइनस का साइन है किलो, मैंने कहा ना, मैंने वहां चेंज नहीं किया था, तो -12 किलो जूल आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर, कार्नोट पे और रेफ्रिजरेटर पे एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपको यदि नहीं भी आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, 15 मिनट का मैटर है, अपनी किताब से एक बार ढंग से पढ़ के, अभी 3-4 क्वेश्चन है इस पेपर में, सारे सोल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अगला स्पष्ट कहता है कि ए कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10
हैज हीट इंजन, बस इसको यूज करना है एज ए रेफ्रिजरेटर, जहां दोस्तों वर्क डन कितना है 10 है, आपको इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब जो है ना वो निकालने की सी बात ही है। दोस्तों नीटा इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये होता है कार्नोट का, ये कितना है 1/10, तो T2 बाई T1 इक्वल टू ये माइनस किया 9/10 आ गया, क्लियर। अब आप आओ रेफ्रिजरेटर पे, वहां बीटा इक्वल टू होता T2 अपॉन T1 माइनस T2 इक्वल टू Q/W, Q क्या है फाइंड आउट करना, W कितना है 10 जूल, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 90 जूल। मैं मानता हूं बहुत इजी अप्रोच है, इसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दो फॉर्मूले हैं याद रखने हैं और याद होते हैं। मैंने मानता कोई ऐसा लड़का होता होगा, स्टूडेंट होता होगा जो सिलेक्ट होता हो नीट में, जिसका कार्नोट गलत होता होगा, कोई सिली मिस्टेक की बात नहीं कर रहा मैं, और मान के चलना ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है। ओके थैंक यू। हाँ डियर, मैं सीक्वेंस को तोड़ के सीधा 136 पे आ रहा हूं ताकि ये कार्नोट के तीन क्वेश्चन है जो एक साथ कर दूं आपको। देखो यहां क्या कहता है, कोई रेफ्रिजरेटर है जो 4 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच वर्क कर रहा भाई, और इसके इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए 600 कैलोरी प्रति सेकेंड बाहर निकालना हो सके, इसको पावर कह सकते हैं। एक ही बात, प्रति सेकंड आते दोस्तों उसको पावर कह दो, एक सेकंड का वर्क ही पावर है देखा जाए तो इसके लिए आवश्यक पावर निकालनी है। तो दोस्तों आप जानते हो रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, Q/W, और Q/W किसके बराबर होता है याद है ना, T2/T1 - T2, याद रखना रेफ्रिजरेटर में T2 कम होता है T1 ज्यादा होता है, बस इसको अब करें। Q क्या है 600 नहीं भाई, 600 कैलोरी है लड़के, 4.2 ध्यान रखना चीज का, ये बड़ा पंगा है इसमें, 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन तेरा W। T2 कितना दोस्तों, T2 बाद वाला है, बाद वाला कम होता है इसमें 4 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करो 273 में तो कितना हो गया 277। ये डिफरेंस है, डिफरेंस आप जानते हो फर्क पड़ता ही नहीं है, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। इसको हम जब गुणा भाग करते हैं इसको दोस्तों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 236.5। मैंने उस क्वेश्चन साथ ले लिया, आप देखो याद रखो एक फॉर्मूला था रेफ्रिजरेटर के लिए, एक फॉर्मूला है कार्नोट इंजन के लिए, दोस्तों वहां फॉर्मूला था वही यहां काम आता, बस चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को एक साथ ले लिया। बीटा इक्वल टू Q/W, ये है T2/T1 - T2, ठीक है डियर, वो फॉर्मूला होता है उल्टा होता है ना जो पिछले क्वेश्चन किया अपन ने। ओके थैंक यू। लो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, कार्नोट में नीटा इक्वल टू T1 - T2/T1, इसके अलावा कुछ बात नहीं बनती इसमें, ठीक है D1? और यहां रेफ्रिजरेटर में बीटा इक्वल टू T2/T1 - T2 है, और एक फॉर्मूला और काम आता है बीटा इक्वल टू Q/W, क्यू हीट है और W वर्क है, बस ये इतने फॉर्मूले इसके अंदर देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा इनको थोड़ा सा आप यदि ढंग से देख लेते हो तो मैंने मानता हूं दिक्कत आती है, ठीक है डियर। ओके थैंक यू। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो 137 है, सेम है, क्या कहता है, कोई रेफ्रिजरेटर है जिसका टेम्परेचर T2 है, कमरे का टेम्परेचर T1 है, वही दोस्तों आप कहता है प्रति जूल विद्युत ऊर्जा वे होने का, दोस्तों वही आपका सारा खेल निकालना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कह रहे हो दोस्तों बीटा इक्वल टू Q/W, वाट इज क्यू, आपने अभी लिखा है T2/T1 - T2, तो दोस्तों Q/W, T2 क्या है आप खुद कहते हैं T2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आप क्या जोड़ दो T2 + 273, और दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना आपको T1 - T2, तो यही आपका क्वेश्चन हो गया। T2 में 273 जोड़ना है और नीचे दोस्तों इसको T1 - T2 करना है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया, तो मैं नहीं मानता इसमें कोई दिक्कत होती। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 आ जाए, देखो एक सिस्टम है P और V के बीच एक कर्व है, एक सिस्टम A से B जा रहा है और B से C जा रहा है, एक सीधा A से C जा रहा है। मैं जानता हूं कि A से C किसी रास्ते से जाए, DU doesn't depend on path, ओके DU का पाथ से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब मैं पहले पाथ ABC की बात कर लूं, तो दोस्तों देखो जो पथ ABC है उस पर आप खुद कह रहे हो A से B पर गया तो कितना हिट दिया 400, बी सी पे कितना दिया 100, तो इस पथ पे दोस्तों DQ तो कितना हो गया 500, हमें इस पथ का DW निकालना है। इस पथ का DW क्या होगा, इस पथ का DW आप देखो A से B तो कोई वर्क होगा ही नहीं ना, कारण वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल B से C में दोस्तों वर्क होगा, तो B से C वर्क क्या होगा, इस लाइन के द्वारा कवर्ड एरिया, तो कवर्ड एरिया कितना है
ये दो पर है, ये चार पर कितना डिफरेंस हुआ, दो, ये जीरो से छह पे बारह हो गया ना, तो इसको मैं सीधा कर दूं, बारह मल्टीप्लाई टेन टू पावर फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस थ्री, ये कितना बच गया दोस्तों 120, तो DW क्या आ गया 120, DQ क्या है 500, आप सब जानते हो ना DQ इक्वल टू DU प्लस DW, तो दोस्तों इसका DU निकाल लो वो क्या आएगा DQ माइनस DW, DQ कितना 500, DW कितना 120, दोस्तों कितना बच गया 380, तो ध्यान दे क्लास से DU का मान आ गया 380 जूल, क्लियर, यानी ABC पथ का, अब चेक के कहीं बोल दो तू, A से C का DU 380 आ गया, यहां तक समझ आ गया ना, बस इसको मिटा देता हूं लो मैं, तो डियर अब AC पथ की बात करें अपन, तो AC पथ का आपको चाहिए क्या DQ, DU तेरे पास कितना आ गया 380, एक बात सुनना बच्चों, आप कहोगे सर आपने तो ABC पथ का निकाला है, अरे भाई A और C फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही होते हैं ना, तो DU डिपेंड नहीं करता पाथ पे, ओके, इसका दोस्तों आपको DW चाहिए, किस पाथ का, AC पाथ का, तो हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों AC पाथ का DW क्या होगा, इसके द्वारा कवर्ड एरिया होगा, तो इसके द्वारा कवर्ड एरिया तो साफ दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों इसके द्वारा कवर्ड एरिया है, हाँ, तो डियर हम जो चल रहे थे कि AB से हम सी गए, तो उस पाथ पे जो हमारा DU क्या आया था 380, अब आप जानते हो पाथ यदि आप AC भी लोगे तो DU की वैल्यू ही रहेगी, DU पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस अब हमें क्या निकालना है, हमें AC पथ का दोस्तों DQ निकालना, ओके, तो DQ इक्वल टू क्या होगा दोस्तों DU प्लस DW, तो DU तो हमारा क्या है 380, DW निकालना है, तो DW भाई A से C तक जाने में इस पाथ के द्वारा कवर्ड एरिया है, तो दोस्तों यह दो एरिया कवर है, एक तो ये आपका त्रिभुज हो रहा है, ट्रायंगल हो रहा है, और एक दोस्तों आपका ये रेक्टेंगल हो रहा है, इन दोनों के एरिया को जोड़ करेंगे वो दोस्तों आपका 80 आएगा, करके देखें तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 460 जूल, ओके डियर 460 जूल, केवल एरिया इसमें, इसमें मूल बात यह है कि ABC पाथ का जो DU है वो DU AC पाथ का है, बाकी तो एरिया कवर कर निकालना, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 135 दोस्तों कहता है गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत, थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, देन आप ये कहता है भाई इसका भाव बताऊं क्या है कि किसी गैस को पहले समतापीय प्रक्रम से आधे आयतन संपीड़ित किया, उसी गैस को एडियाबेटिक से आधा आयतन संपीड़ित किया तो क्या होगा, तो मैं इस न्यूमेरिकल पे आने से पहले एक थ्योरी बताता हूं, प्लीज पेज खाली करें, ये दोस्तों दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो ये कोई कंटेनर है, इसका दोस्तों वॉल्यूम माना कि पहले V1 है और इसको ऐसे कंप्रेस करके इसके वॉल्यूम को आप V2 कर दो, इसके तीन प्रोसेस हैं, आप समतापी कर सकते हो, आप रुद्धोष्म कर सकते हो, आप सम दाबी कर सकते हो, यानी आप आइसोथर्मल में इसको हाफ कर सकते हो, एडियाबेटिक में हाफ कर सकते हो, और एक आइसोबार में हाफ कर सकते हो, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसको करोगे तो डियर इसका जो कर्व बनता है वो आप देख लो PV, सबसे पहले आप आइसोथर्मल की बात करो तो सपोज करो आप यहां से यहां आगे, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये माना कि आपका V है तो ये आपका यहां पर 2V है, ये आपका माना कि P है तो दोस्तों यहां पर आपका 2PV है, ये P और V में आपके कर्व हैं, ठीक है डियर, आप इसको दबा रहे हैं, दबाने का मतलब आप 2V से इसको V पे लेके आ रहे हैं, सबसे पहले माना कि आपका प्रोसेस समदाबी है, तो समदाबी में दोस्तों आप अच्छे से देखते हैं कि यहां से यहां आएगा तो दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आइसोथर्मल में आप जानते हो कि ये जस्ट 2P पे रहेगा, और आइडियाबेटिक हो तो दोस्तों ये इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, बस अब आप जानते हो वर्क क्या होता है इसके द्वारा कवर्ड एरिया, तो सबसे कम वर्क किस में है एक नंबर में, उससे ज्यादा किस में है दो नंबर में, और सर्वाधिक किस में भाई तीन नंबर में, आइडियाबेटिक का वर्क ज्यादा है, उससे कम वर्क आइसोथर्मल में है, और सबसे कम वर्क है वो आइसो बार में है, अब जरा ऑब्जेक्ट पे आए, आप अपने क्वेश्चन पे आए, तो दोस्तों आप देखें स्पष्ट कहता है, फर्स्ट देख लो, ये कहता है गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य की आवश्यकता होती है, और ये आंसर हमारा सही हो गया, ओके, थैंक यू।
हाँ दोस्तों 136, 137 ऊपर पहले कर दिए थे, 138 पे आते हैं। आप देखो इस पे क्या है, ये P और V में है, ये 300, 500, 700, तो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है, है ना, इस तरह से पाथ अलग अलग है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों इनको मैच करो। तो मैच करने आप देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, ये दोस्तों आपका फर्स्ट प्रोसेस है, तो ये तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो दोस्तों फर्स्ट का रिलेशन तो सी से है, फर्स्ट का रिलेशन तो आप देखो कि सी से है, पीयू का रिलेशन तो सी से है, तो पी का सी से, तो ये थर्ड और फोर्थ तो आपके बाहर हो गए। इसके बाद आप देखो सेकंड प्रोसेस, सेकंड नहीं आप फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ प्रोसेस दोस्त किसको बता रहा है, सम दाबी को बता रहा है। फोर्थ कौन है, फोर्थ प्रोसेस किसको बता रहा है, बी को बता रहा है, तो एस का दोस्तों बी कर दो, तो एस का बी केवल एक में है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ऐसे न्यूमेरिकल्स को ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सब नहीं निकाले जाते हैं, याद रखना चीज का, जरूरत नहीं एग्जाम में उनके। ओके थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन 139 है जो एग्जैक्टली 133 है, 133 और 139, यानी 133 का मतलब है दोस्तों ये 2015 में आया, उसके बाद दोस्तों ये 2017 में वापस आया है, रिपीट हुआ। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन 140, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, वही कार्नोट वाला सेम वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नेटा इक्वल टू 1 माइनस T2 upon T1 का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, T2 क्या है 273, T1 क्या है 373, क्योंकि 0 से 100 है ना, आप उसको 273 उसमें ऐड करना होगा, तो नीटा इक्वल टू 1 माइनस 273 अपॉन 373, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या बनानी है इसकी इफिशियंसी बनानी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.8% इसकी इफिशियंसी आती है। फिर से कहता हूं कार्नोट वाले क्वेश्चन को, 5 मिनट का खेल है दोस्तों, देख लेना, देखो हर बार एग्जाम आया क्वेश्चन। ओके थैंक यू। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने वी और टी के बीच कर्व खींचा हुआ है और स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। दोस्तों वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब पी इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट, क्योंकि एनआर तो कांस्टेंट है। तो ये जो कर्व है, ये सबसे पहले बात सुन लो, ये समदाबी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। ओके एक बात क्लियर होगी। अब आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क और डी क्यू का तेरे को रेशियो चाहिए, तो वर्क और डी क्यू का रेशियो चाहिए, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू का अनुपात तेरे को चाहिए, चाहिए। ओके इसको मिटा देता हूं। तो सबसे पहले समदाबी आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या है, देख पीवी इक्वल टू एनआरटी, इधर चेंज कर दे डीवी का, इधर चेंज कर दे आर का, याद करिए तेरा क्या बन जाता है, डब्ल्यू भूल गया क्या, डब्ल्यू इक्वल टू पीडीवी, तो डब्ल्यू इक्वल टू एनआर डीटी, ये ले डियर, ये तेरा फॉर्मूला बन गया एनआर डीटी। नीचे क्या है एनसीपी डीटी, ओ लड़के क्यू बराबर होता है एनएसडीटी, एस रिप्लेस्ड बाई सीपी नॉट सीवी, क्योंकि हेडिंग क्या है आइसोबारिक, इसलिए दोस्तों डीडब्ल्यू बाई डी क्यू एनआर डीटी बटे एनसीपी डीटी। अब सीपी क्या है, फिर आफत आ गई, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीपी भी निकालना सिखाता हूं, लो आ जाओ सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ओके गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, मुझे क्या भगाना है सीपी भगाना है ना, तो ओके दोस्तों आप अच्छी तरह देख लो, तो जहां आपका जहां सीवी लिखा हुआ है, क्यों सीपी चले मेरे को, तो जहां सीवी लिखा वहां क्या आएगा सीपी बट्टे गामा इक्वल टू आर, एक काम कर पुत्र सीपी बाहर निकाल, तो 1/1 माइनस गामा इक्वल टू आर, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, तो ये क्या बना गामा, गामा माइनस 1 इक्वल टू आर, तो भैया जी अब इतना तो तेरे को याद करना ही पड़ेगा, सीपी का मान क्या आ गया गामा आर अपोन गामा माइनस 1, क्लियर हो गया, बस एन से एन कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा एन एन से एन कैंसिल आउट कर दे, डी टी से कर दे, ये आर बाई सी पी, सी पी क्या है गामा आर, ऊपर क्या है गामा माइनस 1, आर से आर कैंसिल आउट कर दे, गामा कौन गैस है मोनोटोमिक, कितना होता है 5/3, तो 5/3 माइनस 1 अपॉन 5/3, तो बीड़ू उत्तर आ गया 2/5, 2/5 किधर गया भाई, ये लो जी 2/5 आपका आंसर हो गया, 2/5 आपका आंसर हो गया। ओके थैंक यू। बड़ा सिंपल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर अब्सॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड, भैया कहने की बात ही नहीं, एडियाबेटिक है। ओके थैंक यू नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 143, हाँ अब दोस्तों ये स्टार्ट हो गया हिस्सा हीट ट्रांसफर का, इसमें तीन पार्ट होते, एक पार्ट केटीजी का था,
दूसरा थर्मो का था, अब हीट ट्रांसफर का है। तो अभी हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, देखा जाए तो हीट ट्रांसफर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, रेडिएशन भी है, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है। तो ये दोस्तों हम जानते हैं कि लोहे का टुकड़ा है, उसको गर्म करते हैं, हम जानते हैं उसको गर्म करते हैं, उसके कलर चेंज होते हैं, और कलर चेंज किस लिए होते हैं, अकॉर्डिंग टेम्परेचर होते हैं। इसको किसने कहा था, वीन ने कहा था, याद है क्या, लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। और ये पूछता भाई इसकी, इसको कौन एक्सप्लेन करता है, तो इनको वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला करता। ओके थैंक यू। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 144 देखो, ये कहता है कि एक कोई ब्लैक होल है जिसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। अब ये कहता है कि पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक, अर्थ को कितने रेडियस तक कंप्रेस किया जाए कि वो ऐसी ब्लैक बॉडी बन जाए। तो दोस्तों आप जानते हो कि भगाने का तो एक ही तरीका है, भूल गए क्या, वी ई एक ही बात है, इसको वी कहते हैं ना अपन, इसको वी कह देते हैं, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब कैलकुलेशन तो आपको जी की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू आप जानते हो दोस्तों, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों थर्ड आ रहा है प्लीज। तो ये मैं चाहूंगा कि अपने हिसाब से आप लोग इसको कर लें। क्वेश्चन 145 बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं, ये अपने आप में एग्जाम भैया फिक्स प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट है पूरा अपने आप में। जो क्या है कि जल की कोई अमाउंट है 70 से 60 ठंडा करने में 5 मिनट लगते हैं, तो 60 से 54 में फिर 5 मिनट लगते हैं, तो बताओ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। दोस्तों याद करो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि माना 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक आया, 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक आया, ये माना कि टाइम T1 है, ये T2 है, याद है ना कि T2 T1 से बड़ा होता है। पहले वस्तु जल्दी ठंडी होती है, फिर धीरे धीरे वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है, ठीक है ना। तो बस इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, आप 70 से 60 पे आए, 60 से 54 पे आए, ओके डियर, और 5-5 मिनट का इसमें टाइम लग रहा है, तो वो आपको कहता है कि आपको जो सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना, सुनो भाई इसका एक मास्टर फॉर्मूला है, वो कैसे आता है, ये सब बातें क्लास की होती हैं, θ1 − θ2 / θ1 + θ2 / θ0। ये तेरे याद नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकता। θ1 − θ2 / t = k θ1 + θ2 / θ0। भैया आ जाए वैल्यू पुट कर ले, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें। θ1 क्या है रहे? पहले 70 − 60/5, k इसमें कांस्टेंट है, ये क्या होगा 70 + 60/2 − θ0, पूरा करना पड़ेगा मुझे तेरे लिए भैया, 60 − 54 / फिर वही 5, ये तेरा k, ये 60 + 54 / θ0, ये तेरी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। दोस्तों इनको अपन सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई वो तेरे सामने सामने आएगी, 2 = k 65 − θ0, और दूसरी वैल्यू तेरे सामने क्या आएगी, 1.2 × k और 57 − θ0। आप ऐसा करो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों, के से क्या आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो 45 डिग्री सेल्सियस आएगा। आगे आप लोग कर सकते हो, ओके। फिर सुन लो, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, थीटा 1 से 70 से 60 पे आया, 60 से 54 पे आया, यहां भी टाइम 5 लगा, यहां भी टाइम 5 लगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर वही रहता है, के कांस्टेंट है। फिर सुन लो, θ1 − θ2 / t = k θ1 + θ2 / θ0, इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, एक को डिवाइड कर देंगे और θ0 का आपका आंसर आ गया, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 146 जो कंडक्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उष्मा चालन संचरण का बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखो, वो कहता है कि ये कोई एक रोड है जिसका ये टेम्परेचर 110 है और ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका dQ/dt है वो 4 J/s है। अब वो कहता है इसी रोड को अपन, वही रोड है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो कहता है इसको मैं 210 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो मेरा dQ/dt को दोस्तों मैं H कह सकता हूं ना, तो इसको H, ये H1 है, इसको तो H2 कह दो, तो बताओ H2 की वैल्यू क्या है। कहने का मतलब ये है, एक रोड है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस है, तो H
फोर है, रोड वही है, सब कुछ वही है, टेम्परेचर डिफरेंस भी वही है, सब कुछ ना। यदि इन सिरों के ताप को केवल टेम्परेचर बदला है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं चेंज किया, तो आपको एस टू फाइंड आउट करना है। आ जाओ, आप जानते हो इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? जानते हो ना दोस्तों मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? माना रोड की लंबाई एल है, इसका एरिया ए है, और यहां दोस्तों याद करो वो क्यू फ्लो होती हीट है, तो याद करो क्यू इक्वल टू, याद है ना, के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल टी। ये बेस्ट क्वेश्चन है यार। अब इस टी को इधर लिया होगे तो दोस्तों ये आप याद है ना डी क्यू बाई डी टी, जिसको अपन एच कह देते हैं, ये क्या बन जाता है रे के ए, इसको आप डी थीटा कह सकते हो, इसको डी टी कहेंगे अपन, सॉरी थीटा नहीं कहेंगे, क्योंकि थीटा और क्यू कई बार कंफ्यूज कर लेता है, तो डी टी अपॉन दोस्तों क्या हो गया आपका ये एल हो गया। क्लियर, बहुत स्पष्ट रखो, क्यू इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू बाई एल टी। समझ आ रहा है? मैंने वहां डी टी क्यों कह दिया, थीटा और क्यू तो लिखने में दिक्कत होती है। अब आप देखो पदार्थ वही है डियर, तो के नहीं बदला, ए नहीं बदला, एल, एच डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल टी पे, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टी, डी टी पहले भी 10 था अब भी 10 है, तो पहले भी 4 था अब भी 4। आंसर क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 147 जिसमें केवल आपको स्पेक्ट्रम के कलर से याद रखने हैं, वॉयलेट सबसे कम लेमडा होता है और रेड की तरफ जाते हैं, तो दोस्तों इसके लेमडा की वैल्यू बढ़ती है, और हम जानते हैं लेमडा टी के इनवर्स है, तो हमें साफ साफ पता लग गया पी है वो वॉयलेट है, क्यू है वो रेड है, और जो आर है वो ग्रीन है, ये इसके कलर्स हैं, ये दोस्तों कलर बताए हैं। तो सर्वाधिक किसका होगा टेम्परेचर? जिसकी लेमडा सबसे कम है, तो कौन है? पी। उसके बाद कौन होगा दोस्तों? क्यू। उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आएगा? आर। फिर कौन आएगा? क्यू। इसका आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों? थर्ड। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 148 ये स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, अपन जानते हैं इस तरह से, ए ब्लैक इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर U1, 500 नैनोमीटर U2, 1000 U3 वेन कांस्टेंट विल दे दी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपको दोस्तों रिलेशन बताने होते हैं कि रिलेशन क्या है, तो इसका एक तरीका होता है, जो टेम्परेचर आपको देता है ना उसका आप ऐसा करो लेमडा निकाल लो, लेमडा इक्वल टू आप दोस्तों जानते हो बी बाई टी हो जाता है, तो बी क्या है दे रखा अगले ने 2.88 × 10⁶, टी कितना है 5760। इसको दोस्तों मुझे कैलकुलेट करूंगा तो आपका समझ जाता हूं मैं, इसको कैलकुलेट करने पे मेरा आंसर आएगा 500 नैनोमीटर। ओके, ये मेरा लेमडा मैक्सिमम हो गया बस, तो ये तो मेरा मैक्सिमम है, इसके नीचे इधर भी कम है उधर भी कम है, तो 500 नैनोमीटर कौन है देखो जरा, तो दोस्तों U2 कौन है 500, तो U2 पीक पे है, U1 भी कम है और U3 भी कम है, तो बड़ा कौन है U2, U2 U1 से बड़ा है, सबसे बड़ा। आपका आंसर हो गया दोस्तों 148 का 3। ये वास्तव में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है डियर, आप देखो इसमें करो बनता है ऐसे, याद है ना ऐसे करो बनता है, तो यहां पर मैक्सिमम है, इधर भी कम होगा इधर भी कम होगा, इसमें जो टेम्परेचर दिया है ना उसको लेमडा मैक्सिमम बराबर बी अपॉन टी से कर लो कैलकुलेट। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर ये एक टोटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ ए मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दो बिल्कुल एक जैसे बॉडी है बट एक प्रॉब्लम दे रही इसमें, क्या कह रहा है कि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मेरी हीट कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है बस। अब वो कहता है एक 100 डिग्री पे है एक 0 डिग्री पे, इफ टू बॉडीज आर ब्रोट इन टू कॉन्टेक्ट Assuming no heat loss, the final common temperature. देखो dear, यदि thermal heat capacity है वो depend नहीं करती temperature पे, तो इसका answer हो जाता 50 degree Celsius. But अब आप क्या देख रहे हो कि heat capacity depend करती है temperature पे, तो दोस्तों initial stage पे वो temperature ज़्यादा बढ़ाएगी, और जो 100 से आ रहा है वो थोड़ा धीरे होता है क्योंकि डिपेंड करता है थर्मल कैपेसिटी पे, इसलिए 50 से थोड़ा सा अधिक पे जाके बैलेंस करेगी, तो इसका आंसर होगा मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ओके थैंक यू। हाँ डियर 150 ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, देखो पहले की तरह ही, क्या कहता है बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T to 2T 10 मिनट, वो आ गया वापस से 3T से कहां पर आया 2T पे, किस में आया दोस्तों 10 मिनट में, द रूम टेम्परेचर इज टी, तो अगला कहता है अज्यूम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, ये तो कहना पड़ता है एग्जाम बाकी होता है यही भैया, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ, अब इस 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, कोई तरीका आ जाओ 3T माइनस 2T
अपॉन 10 इक्वल टू के 3t प्लस 2t बाई 2 माइनस टी, एग्री? t1 माइनस t2 अपॉन t इक्वल टू बार k था, t1 प्लस t2 बाई 2 माइनस थीटा नोट आ जा। अब देख 2t से कहां पर आ रहा है, अगला t डैश पे आ रहा है, अपॉन वही 10 वही तेरा k, ये तेरा क्या है t डैश प्लस 2t बाई 2 माइनस t। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, इसको बिल्कुल इक्वेशन एक बनाएंगे, इक्वेशन दो बनाएंगे, और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/2t। तो मैं नहीं मानता इसमें टाइम वेस्ट किया जाए अपना, मेन बात यहीं तक थी। 3t माइनस 2t अपॉन 10 के, 3t प्लस 2t बाई 2 माइनस t, अगला खुद कहता t सराउंडिंग टेम्परेचर है, फिर क्या है 2t माइनस t डैश अपॉन 10 इक्वल टू के 2t प्लस t डैश बाई 2 माइनस t। थोड़ा गुणा खुद भी करें भाई यार। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन 151। तो एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, इफ द रेडियस वर हाफ्ड एंड द टेम्परेचर डबल्ड द पावर रेडिएटेड इन व्हाट वुड बी। दोस्तों क्या कहता है, एक कोई बॉडी है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर क्या है 5 केल्विन है, 450 वाट शक्ति यानी P इक्वल टू कितनी है भैया 450, P का मतलब जानते हो क्या होता है Q/T। अब वो कहता है कि दूसरा कोई मैं गोला लूं उसकी रेडियस को मैं क्या कर दूं R डैश को मैं क्या कर दूं R/2 यानी 6 कर दूं, और टेम्परेचर क्या कर दूं दुगना यानी कितना कर दूं भैया 1000 केल्विन कर दूं। तो आप कहते हो कि बताओ इसमें अब जो P डैश है वो क्या होगा, तो दोस्तों आप सब जानते हो dQ/dt इक्वल टू सिग्मा T4 मल्टीप्लाई ए, भूल गए क्या, dQ/dt इक्वल टू सिग्मा T4 ए। तो आप जानते हो सिग्मा तो कांस्टेंट है, dQ/dt को P कह सकते हो, ए क्या होता है πr². तो हम यदि इस फॉर्मूले को इस प्रकार से चेंज करें, अब इतना समझ गए आप लोग यार कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 बाई T2 का होल 4 अपॉन R1 बाई R2 का स्क्वायर। बस T1 क्या है भैया 500, T2 क्या है 1000, इसकी पावर क्या है 4, R1 क्या है डियर 12, R2 तेरा क्या कर दिया मैंने इसका आधा कर दिया, आधा कर दिया इसका मतलब मैंने क्या कर लिया 6 कर लिया, ये दोस्तों तेरा 2, ये तेरा 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये तू जानता है 2, 4, 8, 16, तो ये 1/16 मल्टीप्लाई 4 1/4 आंसर आ गया भाई इसका। 1/4 आंसर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो P1/P2/1/4, तो P2 इक्वल टू 4P1, तो 4P1 का मतलब 450 को 4 से मल्टीप्लाई कर इसका आंसर क्या हो गया 1800। दोस्तों 151 का आंसर क्या हो गया 1800। दोस्तों इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको किसी वायर का पहले R निकाल के बताऊं, R इलेक्ट्रिक, तो आप जानते हो R इलेक्ट्रिक क्या होता है याद है ना, R इलेक्ट्रिक होता है ρ L/A, L इसकी लेंथ होती है, A इसका एरिया होता है, और ρ इसकी रेजिस्टिविटी होती है। सेम कहानी इसके साथ होती है दोस्तों, यहां इसको बोलते हैं R थर्मल, तो L की जगह L आएगा, ρ की जगह यहां नीचे K आ जाता है और ये A हो जाता है, क्योंकि यहां अपन कंडक्टिविटी काम ले रहे हैं, ρ कौन है रेजिस्टिविटी, बस यहां का चीज का। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, वो थर्मल रेजिस्टेंस है। अब आप जानते हो कि दो वायर जब पैरेलल होते हैं कॉमन जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 + 1/R2, यहां सेम कहानी दोस्तों एक्सप्लेन कर दी, ठीक है डियर। बस आपको इसकी कंबाइंड कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आप खुद देख रहे हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2, आर तेरे सामने क्या होता है L/K/A, तो मैं थोड़ा कर दू, अब ये कंबाइंड है तो कंबाइंड का दोस्तों 1/R, तो एल तो एल रहेगा, ऊपर लेके आओ नया के हो गया, एक के की क्या आएगा 2 आएगा दोस्तों, 1/R है ना, तो एल नीचे है के ऊपर जाएगा, के रिजल्टेंट है, ए आप जानते हो डबल हो गया, बस ऐसे ही फिर ये K1A L1 है, ये आपका क्या हो जाएगा K2A दोस्तों एल हो जाएगा, तो आपके सामने सामने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गया K इक्वल टू
K1 प्लस K2 बाई 2, और दोस्तों इसका आंसर आ गया 4। बहुत इजी है, यदि आप इसको वहां से कंपेयर करते हो ना तो बहुत आसान है। ओके ओके दोस्तों, 153 हीट वाले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। हम दोस्तों हीट में स्टार्ट हुए थे, मेरी सीक्वेंस में 129 से लेके 153 तक, यानी एक बड़ा पार्ट आज हम फिनिश करने जा रहे हैं, और यहां से मान के चलना 45 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आएंगे। क्या कहता है, द पावर रेडिएट बाई ए ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट्स रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ इज 3/4 लैम्डा नॉट, द पावर रेडिएट बाई द बिकम्स इन एनपी द वैल्यू ऑफ एन। देखो इसका अर्थ क्या, सुनो क्या है। वो कहता कोई एक ब्लैक बॉडी है, आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बड़े प्यार से करते हैं। ये कोई ब्लैक बॉडी है दोस्तों, माना इसका टेम्परेचर टी है, तो इससे जो रिलेटेड लैम्डा है वो लैम्डा नॉट है और पावर पी है, ठीक है। अब वो कहता वो बॉडी है, अब इसका मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, टी डैश कर दूं, तो इसमें जो मेरी लैम्डा डैश आई वो मेरी 3/4 लैम्डा नॉट हो जाती है, तो मेरा यहां पर पी डैश क्या है। स्पष्ट है ना, एक कृष्णिका है, पावर पी है, लैम्डा नॉट है, अधिकतम मैक्सिमम है, तो वीन का विस्थापन आ जाएगा। कृष्णिका बॉडी का ताप चेंज कर दिया तो मेरे लैम्डा मैक्सिमम ये हो गया। अब वो कहता है कि इसमें पी डैश का मान क्या होगा, मेरी शक्ति जो है पी डैश, वो कह दी इसने मेरी पी डैश क्या होगी, एनपी होगी, पी डैश क्या होगी, एनपी। ओके डियर, तो सबसे पहले डिस्प्लेस वीन का डिस्प्लेसमेंट लगाओ, लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू T2/T1, या अपन T1/T2 कर ले पहले, लो T1/T2 इक्वल टू λ2/λ2 बाद वाला कितना है भैया, देखना 3λ/4, और लैम्डा पहले कितना है, लैम्डा कितना पहले का लैम्डा नोट, ये कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो T1/T2 इक्वल टू 3/4 आ गया। बोलो हाँ या ना, दोनों बॉडी का टेम्परेचर 3/4 आ गया। बस अब एक बात आप जानते हो, पावर क्या होती है, पावर दोस्तों होती है σT4 ए, तो ए तो सेम है, सिग्मा सेम है, दोस्तों पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आप खुद देख लें, पावर का फॉर्मूला हो गया P1/P2 इक्वल टू T1/T2 का होल 4। T1 क्या है, तो दोस्तों ये 3/4 का होल 4। ओके डियर, अब आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, P1 यदि P है तो P2 क्या है, NP, तो NP की वैल्यू है 3/4 की पावर 4, तो दोस्तों P से P कैंसिल आउट हो गया, आपको इसकी N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो कहना N का मान क्या होगा, तो N का दोस्तों उधर लेके जाओ तो ये 4/3 की पावर 4 होगी। अब 4/3 की पावर 4 आप निकाल लो, 4, 16, 64, 256, ऐसा ऑब्जेक्ट दोस्तों मेरे क्या है, फर्स्ट ही है, तो दोस्तों आपका आंसर 1 हो गया। ओके डियर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2020 को हमने हीट, KTG, थर्मो, हीट ट्रांसफर, इन पे 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, आज सोल्ड किए। बात सुनो, 360 क्वेश्चन, यानी 2013 से लेके 2019 तक के 8 पेपर, बीच में एक बार एग्जाम दोबारा हुआ हुआ है, 8 पेपर में कितने क्वेश्चन आए दोस्तों, 40 राउंड फिगर में, पहले एक पेपर में एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं यहां से, और करीब करीब क्वेश्चन की थ्योरी लपेटने की मैंने कोशिश की है। तो आज 10 अप्रैल 2020 है, हम लोग दोस्तों एग्जैक्ट लगे थे करीब 9:30 बजे के आसपास, हमें 2:30 बज गए, अब हमारे सुशील जी इसको अपलोड कर देंगे, और आज 10 अप्रैल को ठीक 5 बजे आपको अपलोड होने जा रहा है। और इन सारे क्वेश्चन 40 या 41 क्वेश्चन जो बोर्ड पे किए हैं, प्लीज इनको समझ लो, ढंग से कर लो, आसपास की थ्योरी देख लो, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आपको डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9992873888 पर व्हाट्सअप कर दें, मैसेज कर दें, बात कर सकते हैं। और 6:30 बजे हम डेली आपसे दोस्तों मिलने आ रहे हैं, 14 अप्रैल तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक डेली बात करते हैं। 14 अप्रैल के बाद सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या कहती है, सरकार के क्या आदेश होते हैं, उसकी पालना में करनी दोस्तों। ओके, थैंक यू, जय श्री सी।